हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में आज हम बात करेंगे रूस की। रूस का जिक्र आज इसलिए जरूरी है क्योंकि एक वक्त था जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और पूरी दुनिया में एक अलग तरीके का दबाव आ जाता है, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेटो देश, पश्चिमी देश, अमेरिका, ये तमाम ऐसे देश थे जिन्होंने यूक्रेन का साथ दिया, हथियारों की सप्लाई उसको की और रूस उस वक्त कहीं ना कहीं इन नेटो देशों की वजह से दबाव में आ रहा था। लेकिन रूस ने भी अपने हमले छोड़े नहीं और ये वक्त आज भी ऐसा है कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है। लेकिन खबरों में क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग नहीं है इसलिए हमारी उतनी नजर भी उस ओर नहीं जाती। लेकिन एक बार फिर से तनाव बढ़ रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आज ही एक संबोधन दिया है अपने देश के नाम और उसमें उन्होंने नेटो का जिक्र किया, पश्चिमी देशों का जिक्र किया और इसके अलावा यूक्रेन का भी जिक्र किया है। अमेरिका को चेतावनी साफ तौर पर पुतिन की ओर से दी गई है। अब इस संबोधन में किन बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया है जो एक बार फिर से इशारा कर रहे हैं कि कहीं ये थर्ड विश्व युद्ध यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए। यूक्रेन पर हमले अब भी उसकी ओर से लगातार जारी है, उसके कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर वो कब्जा कर रहा है लेकिन युद्ध थमा नहीं है। और ये जो चेतावनी अब उन्होंने अपने संबोधन के जरिए एक बार दी है, ये एक बड़ा संकेत है पश्चिमी देशों के लिए, नेटो देशों के लिए। इसमें उन्होंने नेटो को सीधे निशाने पर लिया है, उस पर हमला किया और कहा कि अगर आंख उठा के देखने की भी हिम्मत की रूस की ओर से, रूस की तरफ, तो फिर वो कोई बड़ा कदम उठा लेंगे। इसके अलावा आपको याद होगा कि हाल ही में नेटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड और स्वीडन ने अप्लाई किया था और नेटो ने उनको अपना हिस्सा बना लिया। हालांकि यूक्रेन भी बार बार कई बार इस बात का जिक्र कर चुका है, अपील भी कर चुका है नेटो से कि वो उसका सदस्य बन जाए, लेकिन ऐसा अभी तक संभव तो नहीं हो पाया। लेकिन नेटो देशों का समर्थन है यूक्रेन को। फिनलैंड और स्वीडन जब उसमें शामिल होते हैं उसको लेकर भी निशाने पर लिया है नेटो देशों को खुद राष्ट्रपति पुतिन ने और कहा है कि अगर कुछ भी आंतरिक मसलों में बोलने की कोशिश की या फिर कुछ भी ऐसा हुआ, दखल देने का प्रयास हुआ, तो अंजाम उनको भुगतना होगा। इसके अलावा पुतिन ने यह भी जिक्र किया है कि जो उसका पश्चिमी क्षेत्र है रूस का, उसको वो और ज्यादा मजबूत करेगा, वहां पर जो उसके सैन्य ठिकाने हैं उनको और ज्यादा ताकतवर बनाएगा, क्योंकि पश्चिमी जो क्षेत्र है उसका वो लगता है तमाम नेटो देशों से। ऐसे में नेटो उस पर सीधे आक्रमण ना कर दे, यूक्रेन के जैसे हालात ना बन जाए, इस वजह से वो अपने पश्चिमी धड़ को, जो पश्चिमी हिस्सा है रूस का, उसको और ज्यादा मजबूत करेगा। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तमाम पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ये उसके लिए खतरनाक है, उन्होंने कहा, और जो नीतियां पश्चिमी देश मिलकर बनाते हैं ये भी खतरनाक है पूरी दुनिया के लिए। इस बात का जिक्र भी उन्होंने अपने इस भाषण में कहा और साथ साथ ये भी उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि रूसी संघ की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स पूरी तरह से तैयार है। तो एक तरीके से परमाणु हमले की भी ये धमकी है, न्यूक्लियर फोर्स को तैनात कर दिया गया है रूस के अंदर और कभी भी अगर कुछ बड़ा होता है उसकी तैयारी में है रूस, यानी कि पुतिन की सेना पूर्ण रूप से तैयारी में है और अगर कुछ बड़ा होता है पश्चिमी देशों के खिलाफ, नेटो के खिलाफ, तो रूस न्यूक्लियर बमों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा रूस के आंतरिक मामलों में अगर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया तो वो भी ठीक नहीं होगा, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। और अमेरिका को आड़े हाथों लिया गया है रूस की ओर से। अमेरिका और रूस दोनों कट्टर दुश्मन हैं और कैसे इस दुनिया पर अपनी धाक जमानी है, हर बार इनकी ओर से प्रयास होता है, कभी रूस उठने का प्रयास करता है तो कभी अमेरिका रूस को नीचे धकेलने का प्रयास करता है। और इस युद्ध के बाद से रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, रणनीतिक रूप से रूस को हराने का प्रयास बार बार यूक्रेन की मदद करके अमेरिका ने किया है और आज यही पुतिन की ओर से कहा भी गया कि रणनीतिक रूप से अमेरिका रूस को हराना चाहता है जिसके लिए उसने कई सारे प्रयास किए। तो तमाम धमकियां दी गई हैं, इसमें सबसे बड़ी धमकी ये है कि अगर ये तमाम नेटो देश माने नहीं, अमेरिका माना नहीं, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो हाल हुआ था उससे भी बदतर हालात हो जाएंगे, ये भी पुतिन ने कहा। ये बड़ी बातें हैं अपने आप में ही और ये एक और इशारा कर रही हैं कि जल्द ही तीसरा विश्व युद्ध कहीं ना छिड़ जाए, जिसको लेकर रूस ने तो अपनी तैयारी की ही है और चेतावनी भी दे दी है, धमकी भी दे दी है नेटो देशों को, पश्चिमी देशों को। और इसका असर केवल रूस और पश्चिमी देशों पर नहीं पड़ेगा, अगर ये वॉर होता है, ये जो युद्ध है और विकराल स्तर पर जाता है, तो पूरी दुनिया पर, आप पर और हम पर भी इसका असर पड़ेगा। इस पर आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताइए। और कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि डिस्कशन हो सकता है, बातचीत हो सकती है, आप जरूर कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बताइए।